चंदूलाल मिश्रा जी हमारे साथ हैं। महाराज जी आप वोट दे के आ रहे हैं, क्या जनता से वो अपील करना चाहें जो लोग घरे में बैठे? जो लोग घर में बैठे हैं वो बैठ करके खिचड़ी खाएं बना के, लेकिन राज से उनको मतलब नहीं रहेगा। राज से मतलब तब रहेगा जब आके वोट देंगे, क्योंकि देश हमारा है, हमको देश को जिताना है, मोदी जी को जिताना है। बस यही सोच करके घर में न बैठे, सबके सब यहाँ आके वोट दें। आप मोदी जी के प्रस्तावक रहे हैं, उनके नवरत्न भी रहे हैं, क्या लगता है इतने दिनों में क्या मिला? हम तो यही चाहते हैं कि जितने प्रस्तावक हैं सब लोग बड़े प्रसन्नता से दे रहे हैं वोट, और बड़े प्रसन्नता से वोट दे रहे हैं और दें, इसी तरह से देंगे तो जरूर उन्नति करेंगे। और मोदी जी तपस्या में हैं कन्याकुमारी में, तो तपस्या में बहुत फल होता है। उसी का परिणाम है क्या कि आज थोड़ा मौसम भी खुशगवार हो गया? हाँ, अब उन्हीं का फल है कि उनका तपस्या, और यहाँ शहीद उद्यान में उनका दिया जाता है वोट। अंत में आपसे अपील करेंगे, चूंकि आप गायक हैं, एक गायन के माध्यम से बनारस की जनता से अपील बैठ जाएंगे, घर जाएंगे। एक अंतरा या मुखड़ा वोट वाला जो आप सुनाते हैं, एक अपील कर दीजिए। वही वोट देने वाला, वही वोट वाला एक बार गा दीजिए। ये मेरा हिंदुस्तान है, ये मेरा हिंदुस्तान है, अपने हिंदुस्तान को वोट दीजिए और जिताइए मोदी जी को, जो सबके लिए काम करते हैं। धन्यवाद। तो ये थे चंदूलाल मिश्रा जी, जो अपने गायन शैली से बनारस के मतदाताओं से अपील कर रहे हैं कि किस तरीके से वोट दें। ये काफ़ी बुजुर्ग हो चुके हैं, देख रहे हैं व्हील चेयर से मतदान करने आए हैं, लेकिन जोश में कोई कमी नहीं है। ये प्रधानमंत्री के प्रस्तावक थे, और पहले कार्यकाल में प्रधानमंत्री ने जो बनारस के लिए जो नवरत्न घोषित किए थे उसमें भी चंदूलाल मिश्रा थे। हालांकि अब ज़्यादातर समय घरों में रहते हैं, लेकिन जोश देखिए इस उम्र में भी मतदान करने के लिए निकले हुए हैं। नीरज जायसवाल के साथ रोहित सिंह, भारत समाचार, वाराणसी।